श्रावण मास में शिव भक्त कांवड़ लेकर जल लेने जा रहे हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश के मुरैना जा रहे कांवड़ यात्रियों की टोली से TV30 इंडिया ने की खास बातचीत। तो पैदल यात्रा कर रहे हैं जो मुरैना जाना है इनको, और ये हाथरस में रुके, बीच में ये विश्राम किया उन्होंने। उसे जानते हैं किस तरह ये यात्रा आपने की है। शिव भक्त हैं मेरे साथ जो मुरैना से चल, वो गंगोत्री से चलकर मुरैना जा रहे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिशुपाल बघेल। किस तरह ये यात्रा आपने की है? पग यात्रा। कहाँ से की? गंगोत्री गौमुख। कितने लोगों की टोली है? हमारी 18-19 जनों की टोली है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? हम तो ये कहते हैं भगवान के सही सही सलामत घर पहुँच जाए, अच्छी बात है। आप बताओ क्या नाम है? आदराम कुशवा। किस तरह देखते हैं आप भोले बाबा की ये कांवड़ लेकर आते हैं और भक्तों के लिए? क्या भोले बाबा के लिए चढ़ाने के लिए जल ले जा रहे हैं महाराज, वो बहुत बहुत कृपा करें। कृपा होती है जी भगवान। आइए जानते हैं अपने सहयोगी देव प्रकाश देव से कि कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं। इस बार हमारे साथ हमारे सहयोगी देव प्रकाश जुड़ चुके हैं। देव जी, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं प्रशासन द्वारा? अमर जी, मैं आपको बता दूं, श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भक्तों द्वारा, शिव भक्तों द्वारा बहुत नजारा देखने को मिला। कांवड़ यात्रा जो डीजे के साथ एवं पैदल यात्री नजर आए, जिसमें पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की जगह जगह चाक चौबंद व्यवस्था रही, जिसमें जगह जगह टेंट लगाए गए और उनको ठहरने की व्यवस्था भी की गई, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। जो पैदल यात्री थे जो कांवड़ लेकर आ रहे थे, और उनके साथ साथ पुलिस भी देखने को नजर आई। बिल्कुल, आपने जब देखा कांवड़ यात्रियों के लिए रोड पे किस तरीके की व्यवस्था की गई, क्योंकि जैसा अभी हमें जानकारी मिली थी कि रोड पर जो है लगातार कांवड़ यात्रियों के लिए एक बीच में डिवाइडर लगाया गया, मिट्टी के जो डिवाइडर लगाए गए हैं, जिससे कांवड़ यात्रियों के लिए एक सेपरेट लेन दी जा सके। डिवाइडर भी लगाए गए थे जो कट्टों में बोरों में भर भर कर मिट्टी जो रखी गई थी साइड में होकर के ये कांवड़ यात्री निकले, और रास्ते को साफ भी कराया गया था JCB द्वारा। जगह जगह उनकी व्यवस्था की गई जिससे उनको कोई परेशानी न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी देव प्रकाश देव जुड़े थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा बहुत अच्छे इंतजाम किए गए इस बार, और खुद स्वयं जो जिला अधिकारी है यहाँ के हाथरस के और पुलिस अधीक्षक है, वो खुद स्वयं सुपरविजन कर रहे हैं देर रात्रि तक भी और दिन में भी। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहे TV30 इंडिया के साथ।